वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल लिटरेचर एंड लाइफ। दोस्तों, आप सबका मेरे चैनल लिटरेचर और लाइफ पर स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ अल्फ्रेड लॉर्ड टेलिसन द्वारा लिखी गई एक बहुत ही मोटिवेशनल एंड इंस्पिरेशनल पोइम, यूलिसिस का एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। इससे पहले कि हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़े, थोड़ा सा हम लोग पोइट के बारे में जान लेते हैं। अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, फर्स्ट बैरन टेनिसन, वॉज अ ब्रिटिश पोइट। वो एक ब्रिटिश पोइट थे। ही वॉज अ पोइट लॉरेट ड्यूरिंग मच ऑफ क्वीन विक्टोरियास राइन एंड रिमेन्स वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर ब्रिटिश पोइट। और वो क्वीन विक्टोरिया के राइन के दौरान मैक्सिमम टाइम वही पोइट लॉरेट रहे, और आज के टाइम पर भी वो ब्रिटेन के सबसे फेमस पॉपुलर पोइट्स में से एक माने जाते हैं। इन 1829 टेनिसन वॉज अवॉर्डेड द चांसलर्स गोल्ड मेडल एट कैम्ब्रिज फॉर वन ऑफ हिज फर्स्ट पीसेस टिम्बकटू। 1829 में उनको चांसलर्स गोल्ड मेडल के साथ सम्मानित किया गया उनके पहले वर्क टिम्बकटू के लिए। ही पब्लिश्ड हिज फर्स्ट सोलो कलेक्शन ऑफ पोइम्स चीफली लिरिकल इन 1830। उन्होंने अपनी कलेक्शन ऑफ पोइम्स चीफली लिरिकल जो है 1830 में पब्लिश की, जिसमें क्लैरिबल एंड मारियाना विच रिमेन सम ऑफ टेनिसन मोस्ट सेलिब्रेटेड वर इंक्लूडेड इन दिस पोइम, जो कि उसकी बहुत मशहूर पोइम्स में से एक मानी जाती हैं। वो भी इसी वॉल्यूम का हिस्सा थी। ऑल्दो डिक्राइड बाय सम क्रिटिक्स एज ओवरली सेंटीमेंटल, हिज वर्क सून प्रूव्ड पॉपुलर एंड ब्रॉट टेनिसन टू द अटेंशन ऑफ वेल नोन राइटर्स ऑफ द डे इंक्लूडिंग सैमुअल टेलर कॉलरिज। नो डाउट कुछ आलोचकों ने उनके लिखने की शैली के ऊपर आपत्ति भी दिखाई, बट उनके लिखने की शैली ने जल्दी ही उनके दौर के सभी कवियों को प्रभावित किया और उनको मुख्य धारा के कवियों के श्रेणी में ले आई। टेनिसन्स अर्ली पोइट्री विद इट्स मेडिवलिज्म एंड पावरफुल विजुअल इमेजरी वाज अ मेजर इन्फ्लुएंस ऑन द प्री रेफलाइट ब्रदरहुड। उनकी अर्ली पोइट्री का प्री रेफलाइट ब्रदरहुड के ऊपर भी बहुत प्रभाव पड़ा था। प्री रेफलाइट ब्रदरहुड एक मूवमेंट थी जो कि इंग्लिश लिटरेचर की हिस्ट्री में चली थी। तो ये थी अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की एक ब्रीफ सी डिस्क्रिप्शन। नाउ लेट्स मूव ऑन टू अवर मेन टॉपिक, दैट इज अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन्स यूलिसिस। करेक्ट स्केच ऑफ द यूलिसिस क्वेश्चन है, और व्हाट इफेक्ट डज द पोइम हैव ऑन यू, स्पेशली द लाइन्स विच यूलिसिस कजोल्स हिज फ्रेंड, इट इज नॉट लेट टू सीक न्यू वर्ल्ड पुश ऑफ। तो एक तो सिंपल सा क्वेश्चन है, करेक्ट स्केच यूलिसिस का बताना है। दूसरा कि हमारे ऊपर यूलिसिस द्वारा अपने फ्रेंड्स को इंस्पायर करने वाली लाइन्स, इट इज़ नॉट टू लेट टू सीक अ न्यू वर्ल्ड का क्या प्रभाव पड़ता है? अगर मैं कहूँ तो मेरे ऊपर इन लाइन्स का ये प्रभाव पड़ता है, इन लाइन्स को पढ़ने के बाद मुझे ये प्रेरणा मिलती है कि ज़िंदगी में जो चीज़ें मैंने अभी हासिल नहीं की, मैं अब भी उन चीज़ों को हासिल कर सकता हूँ अगर मैं तन मन से मेरी अगर कोशिश करूँ और अगर मेरी विल पावर स्ट्रांग हो तो। तो यानी कि ये लाइंस हम लोगों को अंदर से इंस्पिरेशन और मोटिवेशन से भर देती है ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। द प्रेजेंट पोइम यूलिसिस हैज़ बीन रिटन बाय अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोइट्स इन इंग्लिश लिटरेचर। हिज इंपॉर्टेंट पोइम्स इंक्लूड यूलिसिस एंड द प्रिंसेस। हिज पोइम्स आर नोन फॉर सिंप्लिसिटी एंड वे ऑफ एक्सप्रेशन। तो बेसिकली ये पोइम अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन के द्वारा लिखी गई है। यूलिसिस एंड द प्रिंसेस उनकी मुख्य कविताओं में से हैं, रचनाओं में से एक हैं। हिज पोइम्स आर नोन फॉर, और उनकी पोइट्री को ज़्यादातर सादगी और सिंपल वे ऑफ एक्सप्रेशन के लिए जाना जाता है। इन दिस पोइम द पोइट हैज़ प्रेजेंटेड द डिज़ायर एंड विल पावर ऑफ द यूलिसिस द किंग ऑफ इथाका। इस पोइम में पोइट ने यूलिसिस जो कि इथाका का राजा था, उसके इच्छा और उसकी इच्छा शक्ति के बारे में हमें बताया है। उसने ये बताया है कि अगर आपकी इच्छा शक्ति स्ट्रांग है तो आप किसी भी इच्छा को किसी भी समय किसी भी वक्त पूरा कर सकते हो। ही हैज़ बीन नोन एज द सिंबल ऑफ पैशन टू गेन मोर एंड मोर नॉलेज। यूलिसिस को
इस बात का प्रतीक माना जाता था, जो लोग ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज हासिल करना चाहते थे उन लोगों का प्रतीक माना जाता था यूलिसिस को, यानी कि यूलिसिस उस कोशिश का प्रतीक है जिसका कोई अंत नहीं है। आई एम बिकमिंग अ नेम फॉर ऑलवेज रोमिंग विद द हंग्री हार्ट। इसीलिए यूलिसिस कहता है कि मैं एक ऐसा नाम बन चुका हूँ जिसे लोग इस नाम से जानते हैं कि ये ऐसा शख्स है जो नई चीज़ों को सीखने और रोमांच के लिए ही पैदा हुआ है। और ये कहना भी गलत नहीं होगा, एडवेंचर जो शब्द है वो यूलिसिस का सिनोनिम बन चुका था। Ulysses returned home after the Trojan War, but he does not want to live an ordinary life like other people. ट्रॉय की वार खत्म होने के बाद Ulysses अपने राजपाट अपने महल वापस लौटा था, बट वो जैसी जिंदगी अब वो जी रहा था, एक साधारण सी जिंदगी अपनी वाइफ के पास बैठ के, वो कहता है कि वो ऐसी जिंदगी जीना नहीं चाहता था। Unequal laws unto a savage race that would sleep and feed and not नो नॉट मी, वो कहता वो ऐसी जानवरों वाली ज़िंदगी नहीं जीना चाहता था जो केवल जमा करना खाना और सोना जानते हो। वो कहता है कि ये चीज़ें मेरे कायदे कानून में नहीं आती, मेरा कायदा कानून कहता है ये तो जानवर भी करते हैं। इंसान का जन्म हुआ है नए एडवेंचर्स के लिए, नई नॉलेज को हासिल करने के लिए और नई चीज़ों को सीखने के लिए। आई विल ड्रिंक लाइफ टू द थीज, इसीलिए वो कहता है कि वो जिंदगी की आखिरी सांस तक, ही वॉन्ट्स दैट ही मस्ट कंटिन्यू टू गेन मोर एंड मोर नॉलेज टिल ही इज अलाइव। इसीलिए वो ये कहता है कि वो जिंदगी की आखिरी सांस तक नॉलेज को हासिल करना नहीं छोड़ेगा। बट ही ऑल्सो नोज दैट ही हैज ग्रोन ओल्ड, Now he has lost his physical strength, but still he has a burning desire to achieve more and more knowledge. But उसे इस चीज़ का भी भली भांति आभास है कि शारीरिक तौर पे अब वो बूढ़ा हो चुका है, अब उसके अंदर शारीरिक तौर पे वो ताकत नहीं रही जो जवानी के दिनों में हुआ करती थी। But still he has a burning desire. But अभी भी उसके अंदर एक तीव्र इच्छा, एक मजबूत इच्छा शक्ति मौजूद है जो उसे प्रेरित करती है कि वो आज भी और नॉलेज को सीखने से उसकी शारीरिक कमजोरी उसे नहीं रोक सकती। ही थिंक्स दैट नॉलेज विच ही हैज़ अचीव इज जस्ट अ स्मॉल पार्ट ऑफ वास्ट नॉलेज दैट ही हैज़ येट नॉट अचीव। उसे महसूस होता है कि उसने जो नॉलेज हासिल की है वो तो एक छोटा सा हिस्सा है उस नॉलेज का, जो नॉलेज उसने अभी तक हासिल नहीं की। उसे ऐसा लगता है कि उसके पास जो नॉलेज है वो बिल्कुल ऐसी है जैसे उसके पास समुंदर में से एक बूंद ही मिली हो। आई एम पार्ट ऑफ ऑल दैट आई हैव मेट, येट ऑल एक्सपीरियंस इज़ एन आर्क वेयर थ्रो। इन पंक्तियों में भी वो यही कह रहा है कि उसने आज तक जो भी तजुर्बा हासिल किया है वो एकमात्र एक रेखा ही है उस पूरे विशाल भंडार का जो अभी तक उसने हासिल नहीं किया है। ही होल्ड्स रिस्पेक्टफुल प्लेस इन द हार्ट्स ऑफ ऑल, वो कहता है कि सभी लोगों के दिलों में उसके लिए मान सम्मान है। ही वॉन्ट्स दैट हिज फेलो मरीनर्स मस्ट गेट रेडी फॉर अनदर वॉयज, वो चाहता है कि उसके साथी समुद्री यात्री एक और सफ़र के लिए तैयार हो जाएं। ही टेल्स देम दैट इट इज़ नेवर लेट टू स्टार्ट अ न्यू थिंग एंड टू फाइंड अ न्यू वर्ल्ड, वो कहता है कि कभी भी किसी चीज़ को नई शुरुआत करने के लिए, कुछ नया सीखने के लिए कभी भी कोई इंसान लेट नहीं होता। हम किसी भी वक्त किसी चीज़ को सीख सकते हैं, किसी भी वक्त किसी चीज़ को ढूंढ सकते हैं। ही इंस्पायर्स टू मेक देयर विल पावर सो स्ट्रॉन्ग दैट दे कैन डू समथिंग ग्रेट एंड नॉबल बिफोर देयर डेथ, वो उनको प्रेरित करता है कि वो अपनी इच्छा शक्ति को इतना स्ट्रांग बना लें कि वो मरने से पहले कुछ ऐसा महान, ऐसा बड़ा कर जाएं कि वो मर के भी जीवित रह जाएं। और वो वाकई में वो काम करने में कामयाब हुआ है। इसीलिए यूलिसिस मर गया, टेनिसन ने उसके बारे में लिखा, टेनिसन मर गया, यूलिसिस भी मर गया, बट आज भी हम लोग टेनिसन को भी जान रहे हैं और यूलिसिस को भी जान रहे हैं। और जब तक लिटरेचर रहेगा यूलिसिस को ऐसे ही पढ़ा जाता रहेगा। तो वाकई में वो मर गया बट उसके कामों ने उसको अमर कर दिया। डेथ क्लोजेज ऑल बट समथिंग इज द एंड, वो कह रहा है कि नो डाउट डेथ सब चीज़ों का अंत कर देती है बट अभी भी
खत्म होने से पहले सम वर्क ऑफ नॉबल नॉट में येट बी डन, वो कुछ ऐसा महान कर सकते हैं जो उनको इमॉर्टल अमर बना देगी। यूडिसिस इज डिफरेंट फ्रॉम अस एज ही डज नॉट वॉन्ट टू लिव एन ऑर्डिनरी लाइफ ऑफ होर्डिंग स्लीपिंग एंड ईटिंग, वो हम लोगों से इसलिए अलग है क्योंकि वो हम लोगों जैसी साधारण जिंदगी नहीं जीना चाहता। ही वॉन्ट्स टू लिव अ लाइफ ऑफ एक्शन, वो एक्शन से भरी जिंदगी जीना चाहता है। ही थिंक्स दैट ही मस्ट कंटिन्यू टू अचीव मोर एंड मोर नॉलेज टिल ही इज अलाइव, वो चाहता है कि हम लोग जब तक जिंदा है तब तक नई चीज़ों को सीखता और नए नॉलेज को हासिल करते रहें। ही थिंक्स अबाउट हिज ओल्ड डेज व्हेन ही वॉज यंग एंड हिज फ्रेंड्स, बट नाउ ही हैज ग्रोन ओल्ड एंड हैज नॉट जस्ट रिटर्न लेफ्ट इन हिम, वो अपने और अपने साथियों के उन दिनों को याद करता है जब वो जवान था और वो शारीरिक तौर पर बहुत कमज़ोर था, बट वो कहता है कि अब वो कमज़ोर हो चुका है, बट अब भी But still he has a strong willpower and desire which inspires him to achieve more and more knowledge. But अब भी उसके अंदर इतनी strong इच्छा शक्ति है जो उसे और ज़्यादा चीज़ों को सीखने के लिए और ज़्यादा knowledge को achieve करने के लिए प्रेरित करती है। He thinks that it is very difficult. He thinks that it is very bad to have a pause in life. वो ये मानता है कि जिंदगी में ठहराव आना बहुत गलत चीज़ है, because even if iron is not used, it loses its shine. जैसे हम लोग अगर लोहे का इस्तेमाल ना करें उसे जंग खा जाता है, उसी प्रकार से अगर हमारी ज़िंदगी में स्थिरता आ जाए तो हमारा मानसिक विकास जो है वो रुक जाता है और हम लोग मरे हुए ही कहलाते हैं, हम लोग जीते जी भी मर जाते हैं। दैट इज़ वाई ही रिक्वेस्ट इज फेलो मैरिनर्स टू कम एंड अगेन स्टार्ट देयर जर्नी। ही टेल्स देम डेथ ब्रिंग्स एंड वर, बट दे कैन स्टिल अचीव समथिंग ग्रेट एंड नॉबल बिफोर देयर डेथ। इसीलिए वो अपने फेलो मरीनर्स को एंड में रिक्वेस्ट करता है, प्रेरित करता है कि अभी भी मौत से पहले उनके पास बहुत समय है कि वो एक नया सफ़र शुरू करें और नई चीज़ों नई नॉलेज को हासिल करें और कुछ ऐसा काम कर जाएं जो उनको मर के भी अमर कर दे। In the end, to conclude, we can say that these lines have the deep effect on our mind. तो हम लोग देख सकते हैं इन पंक्तियों का हमारे मस्तिष्क के ऊपर एक गहरा प्रभाव पड़ता है। We see that Ulysses has become old, but still he does not want to sit idle. हम लोगों को आभास होता है कि Ulysses बूढ़ा भी हो चुका है, but फिर भी वो खाली नहीं बैठना चाहता। In fact, he wants to gain more and more knowledge. बल्कि वो चाहता है कि जब तक वो जिंदा रहे वो नई और नॉलेज और चीज़ों को सीखता रहे। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट इफ़ वी हैव स्ट्रॉन्ग विल पावर देर इज़ नो एंड टू लर्निंग, दूसरे शब्दों में ये कहना गलत नहीं होगा, अगर हमारे अंदर एक स्ट्रॉन्ग इच्छा शक्ति मौजूद है तो हमारे लिए सीखने की कोई अंत नहीं है। इनफैक्ट फ्रॉम बर्थ टू डेथ वी कीप ऑन लर्निंग न्यू थिंग, और ये कहना भी गलत नहीं होगा, इंसान जन्म से सीखना शुरू कर देता है और आखिरी सांस तक सीखता चला जाता है, और जिन लोगों के अंदर स्ट्रॉन्ग इच्छा शक्ति होती है वो आखिरी सांस तक नई नई चीज़ों को नई नई नॉलेज को हासिल करते रहते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए, ऐसे और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, क्लिक ऑन द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स।